सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स। मेरा नाम सौरभ सा और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बना सकते हैं अच्छा सा गुआश या ओपेक में पोर्ट्रेट यूजिंग जस्ट आर्टिस्ट वाटर कलर इन माय मिनी स्केचबुक। सो मैंने आपको कभी दिखाया नहीं होगा लेकिन मेरे पास एक मिनी स्केचबुक है जो कि मैं हर जगह लेके जाता हूँ और उसमें बनाता हूँ कुछ डिफरेंट टाइप के पोर्ट्रेट्स। आज मैं उस स्केचबुक का आपको टूर भी कराऊंगा। ये रहा मेरा मिनी स्केचबुक, इसमें मेरा एक कार्टून भी बना हुआ है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे पोर्ट्रेट्स हैं। तो चलिए आज का ये लेसन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है इस स्केचबुक में। इसमें मैंने कुछ नोट्स भी लिख के रखे हैं हाउ टू कलर, उसके बारे में वो सब मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और साथ में एक पोर्ट्रेट का कम्प्लीट डेमोन्स्ट्रेशन भी आज मैं करूंगा। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास मेरा मिनी स्केचबुक है। ये रहा मेरा वाटर कलर का पैलेट, ये रहा मेरा बोल ऑफ वाटर, ये रहा मेरे ब्रशेस, ये रहे मेरे ब्रशेस और ये मेरे पास एक कपड़ा है जिसमें मैं वाटर को पोंछ सकता हूँ। तो सबसे पहले स्केचबुक का एक मिनी टूर कर लेते ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें मैं क्या कैसे किस तरह के स्केचेस करता हूँ। तो सबसे पहले स्केचबुक के कवर पे मैंने अपना एक छोटा सा कार्टून बना के रखा है ताकि एक पर्सनल टच मिले मेरे स्केचबुक को ऐसे मजे के लिए। और उसके बाद स्टार्टिंग में ये रहा मेरे पास एक वॉरियर का स्केच। तो ये जो स्केच है इसको मैंने पहली बार ओपेक वाटर कलर ट्राई करने के लिए यूज किया था और उसी टेक्निक को पहली बार मैंने इसी स्केचबुक में इसी पेंटिंग में ट्राई किया। तो इसमें मैंने ब्रश पेन से पूरी जो आउटलाइन है वो की थी और उसके ऊपर मैंने वाटर कलर से इसमें बनाया था। और ओपेक क्या बनाया था, ये जो व्हाइट का यूज है वाटर कलर में, व्हाइट का जो यूज है उसे ओपेक बना देता है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर कुछ नोट्स लिखे कि क्या मुझे उसमें अच्छा लगा क्या नहीं लगा और उसके ही कॉन्ट्रास्टिंगली मैंने ये इमेज जो कि मैंने पिंटरेस्ट से यूज किया क्योंकि ये इमेज मुझे काफी पसंद था, काफी अच्छा कॉन्ट्रास्टिंग इमेज था, पूरे जो हाईलाइट सब कुछ बहुत अच्छे थे। इस इमेज को मैंने यूज करके क्या किया कि एक स्टडी की वाश में वाश और गुआश का डिफरेंस मैंने तभी पता चलने के लिए कि क्या डिफरेंस है दोनों में और किस तरह से मैं दोनों को यूज कर सकता हूँ। तो ये काफी डिटेल था, ये मुझे पसंद भी था काफी। उसके बाद मैंने ये फर्स्ट पेज नहीं, ये तो मैंने बाद में किया, इसको चेंज करके ये वाला। तो ये एक्चुअली एक ऑयल पेंटिंग था जिसका मैंने कॉपी किया गुआश में क्योंकि मुझे काफी पसंद था ये वाला पेंटिंग, क्योंकि ये काफी मतलब एक रिच सा ऑयल पेंटिंग है जिसमें काफी सारे स्ट्रोक्स है, बोल्ड है। और गुआश को मैंने जब ट्राई किया तो मुझे पता चला कि ये ड्राई हो जाता है पेपर में जल्दी, हालांकि वाटर देने से फिर ये वीक हो जाता है लेकिन ड्राई भी काफी जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक बोल्ड स्ट्रोक स्टाइल यूज किया टेक्निक, ठीक है। तो उसी के साथ साथ मैंने जो कलर पैलेट यूज किया वो भी मैंने साइड में रख दिया है और इस तरफ मैंने डिटेल नोट्स लिखे हैं कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं ताकि मुझे भी एक याद रहे, एक रिमाइंडर रहे कि कौन सा चीज करने हैं, कौन सा चीज नहीं करने हैं, कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पर पैलेट और साथ में ब्रश के स्ट्रोक्स को भी मैंने नोट कर लिया। ये सब नोट करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम इसी सेम इफेक्ट को कॉपी करेंगे या फिर ये जो सेम स्टाइल है, क्योंकि मैंने क्या किया एक आर्टिस्ट का स्टाइल कॉपी किया इसमें, और फिर अगर मुझे नेक्स्ट टाइम इसको बिना देखे रेप्लिकेट करना है तो उसके लिए मुझे ये सब याद रखना पड़ेगा। इसी सब को याद रखते हुए मैंने ये वाला जो पोर्ट्रेट है संजय दत्त का ये मैंने बनाया। ये नई मूवी के एक पोस्टर से मैंने ये वाला पोर्ट्रेट बनाया और ये मैंने उसी जो टेक्निक था उसी टेक्निक को यूज करके इसको बनाया। और इसमें देखिए एक जो कहते हैं इनकम्प्लीटनेस है वो ही इसको कम्प्लीट कर रहे, इसी तरह से मैंने ये बनाया, इसमें भी वही यूज है। उसके बाद मैंने ये अपने जो मैं जब भूटान गया था तो वहां पर एक लड़की थी छोटी बच्ची, तो उसको मैंने उसका एक फोटो खींच के मैंने कम्प्लीटली एक स्मूथ वॉश का यूज करके एक
पेंटिंग बनाना चाहा और उसी में मैंने ये ड्राइंग बनाया। तो उसके बाद नेक्स्ट है ये, तो ये जो ड्राइंग है ये मैंने ट्रेन में बैठ के एक फोटो देखकर पेन से बनाया था, सिर्फ पेन से। तो ये वैसे एक ड्राइंग है। और इसके बाद ये बस एक सिंपल सा स्केच है, क्योंकि मैं अपना व्हाइट चारकोल पेंसिल एक बार यूज करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सिंपल सा एक स्केच बनाया था। और इसके बाद ये वाला स्केच जो कि मैंने बनाया, और आज इसी पे मैं ट्यूटोरियल दूंगा आपको गुआश, कैसे हम गुआश का एक पोर्ट्रेट अच्छे से स्ट्रोक स्टाइल में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रशेस के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आप काफी सारे ब्रशेस देख रहे होंगे, ये जो कुछ ब्रशेस है ये ऑयल पेंट ब्रशेस है। इसको मैं एक्चुअल कलर एप्लीकेशन में यूज नहीं करूंगा, लेकिन टुवर्ड्स द एंड जो एक स्ट्रोक की इफेक्ट मैं दूंगा उसमें मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। ये जो ब्रश है और ये जो ब्रश है ये मैं वाटर कलर में कम यूज करता हूँ, लेकिन इन कंडीशंस के लिए ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये सिंथेटिक ब्रश है और वाटर ज्यादा होल्ड नहीं करता। इसलिए क्या होगा कि जब हम कलर को अप्लाई करेंगे उस टाइम, क्योंकि ये गुआश है और इसमें हमें ज्यादा कलर के एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती, तो इसमें हम इन दोनों ब्रशेस का काफी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि इनकी नेचुरल एबिलिटी ही ये है कि ये कलर ज्यादा होल्ड नहीं करती। इसके साथ ये मेरे पास नेचुरल स्क्विरल हेयर ब्रशेस भी है, जो कि मैं यूज करूंगा अगर मुझे जरूरत पड़े, लेकिन उतनी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकी जो कैपेबिलिटी है कि ये ज्यादा वाटर होल्ड कर पाए, और क्योंकि हम ओपेक कर रहे हैं तो ज्यादा वाटर होल्ड कर पाने से हमें एक डिसएडवांटेज हो सकती है। और इसके साथ साथ मेरे पास ये थिन ब्रश है, ये डिटेल्स के लिए बस। और ये जो बोल्ड ब्रश है सिंथेटिक, इसका मैं यूज करूँ कि ना करूँ मुझे अभी भी श्योर नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है इसके लिए। अगर ये बड़ी पेंटिंग होती तो मैं जरूर इसका यूज करता, लेकिन फिर भी लास्ट में कुछ स्ट्रोक्स एक्स्ट्रा डालने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास जो रेगुलर पैलेट है उसमें बस एक चेंज है कि हमने व्हाइट का यूज किया, व्हाइट आर्टिस्ट वाटर कलर फ्रॉम कैमलिन, और बाकी जो पैलेट है वो सिंपल 12 कलर पैलेट है। तो इसी के साथ स्केच मैंने बना लिया है, तो स्टार्ट करते हैं। सो हियर मेन थिंग इज टू ब्लॉक इन द वैल्यूज। तो सबसे पहले ताकि हम अपने वैल्यूज को ब्लॉक कर पाए, मैंने क्या किया, अपना सिंथेटिक ब्रश लेके जो सबसे डार्केस्ट कलर मुझे इस इमेज में देना है, जिस जिस जगहों पर मुझे लार्जेस्ट वैल्यूज चाहिए, मतलब सबसे डार्केस्ट वैल्यू चाहिए, उन उन जगहों पर मैं पहले कलर कर रहा हूँ, क्योंकि ओपेक या ऑयल पेंट दोनों में ही ये रूल है कि हम डार्क से लेकर लाइट तक जाएंगे। वाटर कलर में क्या रूल था कि हम लाइट से डार्क में जाएंगे, क्योंकि उसमें हमें जगह छोड़नी थी, लेकिन क्योंकि इसमें हम वाइट का यूज़ कर सकते हैं और जो ओपेक मीडियम है या जो गुआश मीडियम है वो काफ़ी लेयर्स ले सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं डार्क से लेके लाइट तक जाते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, जो डार्केस्ट वैल्यूज है उसको जो वर्मिलियन और ब्रन शाइना का एक मिक्स, उसको हर एक जो क्रीसे से उसमें यूज़ किया। उसके साथ साथ ही मैंने थोड़ा सा कलर वेरिएशन भी इसमें देने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं जो ब्लॉक्स मेरे हैं वो काफ़ी चंकी और एक्सप्रेसिव है। उसके साथ साथ जब मेरा जो पूरा डार्क एरिया कवर हो गया, उसके बाद मैंने मिड टोन्स देने स्टार्ट किए, ताकि हमारा पूरा एक वैल्यू रेंज हमें मिल सके। उसके लिए मैंने क्या किया, जो कलर हमारे पास था उसी में मैंने जो ओपेक वाइट था उसको मिक्स किया, ताकि एक अच्छा सा कलर बन सके हमारे स्किन टोन के लिए। उसके साथ साथ मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हमारे जो बेस कलर था उसी में मैं और थोड़ा वेरिएशन ऐड करने के लिए येलो, कभी कभी वर्मिलियन, वो सब मिक्स करते जा रहा हूँ। तो क्या होगा कि हमारा जो एक पूरा बेस मिक्स है वो सेम नहीं रहेगा, और जो कलर वेरिएशंस है उसके वजह से अच्छा एक टोन हमें मिलेगा।
और जो ब्लॉक्स होंगे जो हम कलर अप्लाई कर रहे हैं ब्लॉक्स में, हम हमेशा क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में, ब्लॉक्स में एक वैल्यू ऑफ कलर, और हर एक ब्लॉक डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप का है, तो इसमें हमें एक पूरा एक रेंज मिलता है शेप्स का जो कि इंटरेस्टिंग है। साथ में अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने एक वायलेट कलर मिक्स किया है हमारे जो शेडोज़ है उस पार्ट के लिए। शेडोज़ पार्ट को हम कूल रखना चाह रहे हैं, इसलिए हमने वायलेट थोड़ा सा कूल वायलेट का यूज़ कर रहा हूँ मैं इधर, क्योंकि जो हमारा टोटल रेंज है इसमें कलर का वो ज़्यादा वार्म है, तो इसके लिए मैंने एक कूल वायलेट बनाया, उसको हम अप्लाई कर अपने शेडोज़ में, ताकि एक अच्छा सा कलर वेरिएशन भी मिले साथ में एक अच्छा रेंज ऑफ कलर भी हमें मिल पाए। तो इसी तरह से हम क्या कर रहे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को ब्लॉक्स में हमारे पूरे एरिया में कवर कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है कि एक बहुत ही अच्छा हमें ऑयल पेंट के लिए प्रैक्टिस हो जाता है कि हम कलर को जो ग्रेडिएशन है, जो हमारे कलर की ग्रेडिएशन है, जैसा आप चीक पे देख पा रहे हैं उसमें हमने कहीं भी कोई भी जगह पर बस वाटर से या ऑयल से उसको मिक्स नहीं कर दिया। ऑयल पेंट में क्या होता है, हम ऑयल से उसको मिक्स कर देते हैं, लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि ये अच्छे से मिक्स नहीं होता तो हमें डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस ऑफ कलर को अपने ब्रश से ही पैलेट में ही मिक्स करके फिर अप्लाई करना पड़ रहा है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो कलर मिक्सिंग की एक प्रैक्टिस होती है और फ्रेश कलर हमारे पेज में बैठता है, ताकि हमारा जो रेंज है वो अच्छे से कवर हो पाए वैल्यूज़ का और फ्रेश लग पाए। तो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो डिटेल ब्रश है उसका यूज़ करके कुछ और डार्क कलर्स बना ले रहा हूँ, और उसको अपने आईज़ और जो क्रीसेस है और जो कर्व्स है फेस के उसमें अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से हमारा जो फ्लैट मतलब जो सिंथेटिक ब्रश था उसका यूज़ करके मैं इसमें कान का जो एक शेप है उसको ब्लॉकिंग कर दे रहा हूँ। हम इसमें उतने डिटेल में नहीं जाएंगे कान में, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट एरिया नहीं है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आर्टिस्टिक लाइसेंस लेके जो जो हमें चाहिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें ही हम दे रहे हैं, हर एक डिटेल को नहीं बनाने जा रहे हैं, ताकि एक फील ऑफ आर्टिस्टिक रेंज और वैरायटी दिख पाए। क्योंकि अगर हम बस फोटो से कॉपी करते जा रहे हैं तो वो उतना अच्छा नहीं दिखता। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आइज़ को बना रहा हूँ। इसमें मैं काफ़ी केयरफुली जो हमारे कलर्स है उसको चूज़ कर रहा हूँ। पहले तो मैंने एक वॉश देने की कोशिश की जो डिफरेंट पार्ट्स आइज़ है आइज़ की, उसको नॉट सो डार्क कलर से। उसके बाद मैंने क्या किया कि थोड़ा सा डार्क कलर मिक्स करके आइज़ के जो डार्केस्ट एरिया से उसको कवर किए, लेकिन फिर भी वो उतने ज़्यादा डार्क नहीं है जितने होने चाहिए, ताकि एक पूरा डार्क ना लगे और एक अच्छा रेंज ऑफ कलर भी मिले। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन वो एक पूरी तरह से ब्लैक नहीं है, वो थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का कलर है, जो अगर हम नेचुरली उसको देखें तो ही उसे पता चलेगा। इसके बाद में क्या कर रहा हूँ, अपने जो पतले ब्रश है उससे वाइट कलर की एक पूरी एक मोटी लेयर लेके पूरे जगह पर जहाँ जहाँ पर भी कर्व्स है उस जगह पर मैं हाइलाइट्स दे दे रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे पूरे एक ड्राइंग को एक 3D फॉर्म मिल रहा है, जिससे जो हमारा पूरा एक कंप्लीट सिनेरियो था वो अभी उभर के आएगा। तो ये हमारा जो फेस का एरिया है हमें अभी काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा, सारे कलर्स दिख रहे होंगे काफ़ी रियलिस्टिक, लेकिन जब हम इसे क्लोजली देखेंगे रियल में तो इसमें हर एक ब्रश स्ट्रोक दिख रहा होगा हमें, तो इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने जो बियर्ड है उस एरिया पे आएंगे। तो उसके लिए मैं जो ऑयल पेंट का ब्रश है उसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो बियर्ड है काफ़ी एक्सप्रेसिव और स्ट्रोकी रखना है, जिसमें काफ़ी सारे स्ट्रोक्स दिख रहे हो ब्रश के, ताकि एक आर्टिस्टिक फील मिल पाए और जो ब्रश जो बियर्ड की एक नेचुरल हेयरी फॉर्मेशन हो वो आ पाए। क्योंकि इस ब्रश से हम परफेक्ट
जो स्ट्रोक्स है वो नहीं दे पाएंगे जैसे कि हम किसी और ब्रश से दे पाए, तो इससे क्या होगा कि जो टेक्सचर होगा बियर्ड का वो काफ़ी रियलिस्टिक आएगा, रियलिस्टिक हुए बिना भी। तो मैं यहाँ पर भी वही सेम अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ। ये बियर्ड वाइट है उसके बाद भी मैं इसमें डिफरेंट कलर्स, रिफ्लेक्टिव लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इस तरीके से, एक डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ। और जो डार्क एरियाज है उसमें भी पूरी तरीके से ब्लैक नहीं यूज़ करके एक ब्लू और ग्रे का मिक्स टोन यूज़ कर रहा हूँ, और उसके ऊपर से वाइट का हाईलाइट देने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, एक जो डायनेमिक रेंज होगा हमारे पूरे बियर्ड में वो आएगा, और साथ साथ में टेक्सचर भी अच्छा दिखेगा, कलर्स हमें पूरे पेंटिंग में अच्छे से कवर करने, क्योंकि जितना कलरफुल होगा ये पेंटिंग, छोटा सा पेंटिंग है ये, लेकिन जितना कलरफुल होगा उतना ही देखने में ये अच्छा लगेगा। तो लास्ट में मैं अपना जो सिंथेटिक ब्रश था उसका यूज़ करके फिर से अपने पूरे ड्राइंग को एक स्ट्रक्चर दे रहा, क्योंकि वो ब्रश हमें टेक्सचर तो दे पाएगा लेकिन जो छोटे छोटे एरियाज होंगे जिससे हम कवर नहीं कर पाएंगे उस ब्रश से, तो हम ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे उस जगह पे। तो ऐसे धीरे धीरे हमारा जो बियर्ड का एरिया है वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो इसी तरह से हम कुछ और फाइनल डिटेल्स दे देते हैं अपने बियर्ड में, अपने जो थिन ब्रश था उससे जो थोड़ा थोड़ा एक दो हेयर्स हम दिखाना चाहते थे उसको हम वाइट कलर से एक दो स्ट्रोक्स दिखा दे रहे हैं, और फिर थोड़ा बॉस बस डिटेल करके अच्छे से हमारा फेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अपने टर्बन पाएंगे, जो पगड़ी हमारी है उसको हम कलर करेंगे। तो ये पगड़ी एक्चुअली में येलो कलर की होनी है, लेकिन मैं आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैंने अपने फेस में पहले डार्क एरियाज़ को दिया, उसी तरीके से मैं पगड़ी में भी पहले जो डार्क एरियाज़ है उसको कवर कर रहा हूँ थोड़ी सी ग्रीनिश कलर से। लेकिन वो एक्चुअली में अभी हमें ग्रीन दिख रहे होंगे, लेकिन जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तब वो उतना ग्रीन नहीं दिखेगा हमें। तो उससे हमें क्या होगा कि एक हेल्प मिलेगी, हमारे पगड़ी में भी एक कलर वेरिएशन मिलेगा, और साथ साथ में एक अच्छा सा लाइट इफेक्ट भी आएगा। ये पगड़ी काफ़ी डार्क नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा लाइट होगी, इसलिए आप जो शेडो एरिया से उसको भी देख रहे हैं काफ़ी लाइट है, उतनी डार्क नहीं है, क्योंकि मैंने जो एक्चुअल जो फोकस पॉइंट रखा है उसको मैंने फेस में रखा है, इसलिए मैंने क्या किया है कि जो फेस का एरिया है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है, और जो बाकी जो बियर्ड है वो भी वाइट कलर का है, और जो जो पगड़ी है टर्बन है वो भी काफ़ी लाइट कलर का येल्लो होगा। इसके लिए मैंने क्या किया, लेमन येल्लो और वाइट का मिक्स यूज़ किया है। तो आप देख रहे होंगे जो कलर है येल्लो का वो काफ़ी पेल है। तो मैंने अब क्या कर रहा हूँ कि एक फ्लैट ब्रश का यूज़ करके एक पूरी एक वाश दे दिया उस लाइट पील येलो का। उसके बाद में जो क्रीसेस है पगड़ी में उसको भी मैं थोड़ा सा बस डार्क कलर के येलो और डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लूस से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो कूल एरियाज है उन्हें भी हमें दिखाने हैं शेडोज के, इसलिए मैं ब्लू यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको। देखिए, आप कोई भी कलर इसमें तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक कि आपका वैल्यू जो रेंज है वो सही है। वैल्यू रेंज के अंदर अगर हम कोई भी क्रेजी भी कलर भी यूज़ करें ना, देखिएगा आपको कि हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो फाइनली अच्छा ही दिखेगा। तो धीरे धीरे मैंने जो टर्बन है पगड़ी है उसका अच्छे से बिल्डअप कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पूरे फेस की एक अच्छे से फ्लोटिंग हेड जैसा बन गया। मैं यही चाहता था अपने ड्राइंग से कि ये एक ऐसा कंपोजिशन एलिमेंट की तरह यूज़ हो जिसमें मैं फ्लोटिंग हेड जैसा दिखा पाऊँ, और यही इनकम्प्लीटनेस इसकी अपने ड्राइंग को कंप्लीट कर दिए। लेकिन अगर मैंने अभी यहाँ पर शर्ट या फिर बैकग्राउंड कुछ भी बनाने गया तो वो दिखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अभी वो लग रहा है।
आपने देखा कि कैसे हमने बस कुछ स्ट्रोक्स का यूज़ करके, ब्लेंड नहीं किया लेकिन कुछ स्ट्रोक्स का यूज़ करके, रफ स्ट्रोक्स का यूज़ करके काफ़ी अच्छा और रियलिस्टिक और आर्टिस्टिक, रियलिस्टिक पर आर्टिस्टिक एक ड्राइंग हमने बनाया। तो लास्ट में मैं एक डार्क कलर का यूज़ करके अपना सिग्नेचर कर दे रहा हूँ। तो ये हमारी ड्राइंग यहाँ पर ही कंप्लीट हो गई। तो थैंक यू एंड गुड बाय। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इंस्पिरेशन आर्ट को। थैंक यू एंड बाय बाय।